कि यहाँ पे बात करने के लिए भी नहीं होता, बंदा थोड़ा डिप्रेशन फेज में चला जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज लगा रखा है एयरपोर्ट, आई होप कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो, इम्प्रूव्ड हो। तो यार आज मैं जा रहा हूँ फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवाने। ऑलरेडी मतलब जगह पर आ गया हूँ जहाँ पे बनना है। अभी वॉक करके जाना था 1 किलोमीटर, जिसमें कि फट चुकी है अच्छा करके। और आज जो भी रहेगा कॉस्ट वगैरह, जॉब वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, आप लोगों के सब चीज़ आंसर करूँगा, दिखाऊँगा कैसे कैसे ट्रेनिंग रहती है। और बस अभी जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं, ये ब्लैक आइस है, फिर भाग भी नहीं सकते, आराम आराम से चल रहा हूँ। और हाथ वात भी सुन पड़ रहे हैं, स्नोफॉल हो ही रही, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। पहुँचते एक बार फिर आपसे मिलता हूँ। ये है फोकलिफ्ट की मशीन, यहाँ पे जो खड़ी हैं 4 डिफरेंट टाइप की मशीन्स खड़ी हैं, वो वाली अभी चला ली और ये दोनों अभी बाकी हैं। काफ़ी ज़्यादा टफ है, आपको देखने में लगता है कि भाई उठ जाता है, लेकिन इनका काटने का, इसमें इसको काटते हो जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मुड़ती है, फिर उसके बाद वापस लाना भी पड़ता है इन्हें। तो आई होप कि फोकलिफ्ट का लाइसेंस बन जाए आज, और आपको मैं दिखाऊँगा कि और भी जो मशीन चलाता हूँ वो भी दिखाऊँगा आपको। बने रहना वीडियो में इन तक। यस मिस्टर खान, नाउ टर्न ऑल द वे, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, गो क्लोज टू द रैक, so before you going up make sure you're not getting stuck in a rack or anything. Okay. Just make sure your path is clear. Now go up. Keep looking around your machine, keep looking up, that's it, that's so you have to make sure you're not touching the like roof. Okay. Right, or any other object. Okay. So now you can pick up one boxes and as per your order. Okay. And put it on the skid. Once you're coming down, make sure nobody nearby you, you have to honk the horn. Yes, look around and come down. So make sure you're not touching the ground. Now you can go all the way in the front and we are going again.
Hold on. Yeah, so now you can go up and can check again. Make sure you're not touching any pipe or anything. So guys, this is a license I got for all the machines. इन सारी मशीन्स के लिए मुझे लाइसेंस मिला है और अब मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ फोकलिफ्ट वगैरह की जॉब के लिए। और जो इन सारी मशीन्स की जो कॉस्ट वगैरह आई, लाइसेंस वगैरह, ट्रेनिंग फ़ी वगैरह सब में, दैट वाज फॉर 375। इनका भी कुछ पैकेज वगैरह चल रहा था, वो इन्होंने मुझे दिया। और इनका कोई भी किचनर वगैरह में है या कैम्ब्रिज साइड है तो आके यहाँ से बनवा सकते हैं, किसी को भी चाहिए तो। काफ़ी बढ़िया बंदे थे और पूरा मतलब इंस्ट्रक्ट वगैरह करा सब अच्छी चीज़ से। ये पूरा मतलब बॉक्सेस वगैरह उतारे, फिर सारा री रैक वगैरह करा, 3-4 घंटे लगे। अब जाके फ्री हुए एंड देन लाइसेंस मिला। ये इसमें पीछे लिखा भी है कि किन किन चीज़ों के हैं ये लाइसेंस, तो सही है, बढ़िया था अपना एक्सपीरियंस जो था। दिस वॉज द प्लेस मेरे पीछे जो है, यहाँ पर मैं आया था अपना यही लाइसेंस के लिए। आपको एड्रेस डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और जो यार मतलब फीस मैंने आपको बताई थी $375 थे। और मतलब और जो है इसमें मुझे टाइम लगा नियर अबाउट, मैं आ गया था 11:30 के करीब आ गया था, अभी 3 बज रहे हैं, तो लगा लो कितना टाइम लगा। आप लोग समझदार हो ही, और अब होप्स हो के कोई जॉब वगैरह भी मिल जाए। ये इसका तो फोक लिफ्ट का हो ही गया, आपको सारी चीज़ें दिखा दी डिटेल्ड में कैसे कैसे रहता है, क्योंकि बहुत से लोग बताते थे फोक लिफ्ट का, लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि भाई मतलब अंदर रहता कैसे है, सारी चीज़ें का हिसाब किताब जो रहता है वो कैसा रहता है, तो वो भी मैंने सब आपको दिखा दिया, ट्रेनिंग वगैरह कैसी रहती है इसकी। बाकी अब यार बस पकड़ते हैं और अपना चलते हैं घर, कुछ खाते वाते हैं। ठंड बढ़ गई है, बर्फ़ बर्फ़ गिर रही है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और इसका जो भी जॉब प्रोसेस रहता है कि इसके बाद मुझे जॉब मिलती है, इतने पैसे इन्वेस्ट करके नहीं मिलती है, वो सब आपको मैं अपडेटेड रखूँगा। तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी अभी नया बंदा आ रहा है वो तो सब्सक्राइब करे बिना जाने ही मत भाई, और शेयर वगैरह भी कर देना अपने दोस्तों वगैरह में। कोई आ रहा हो कनाडा वगैरह तो उसको थोड़ी हेल्प हो जाएगी इनिशियली। अपना जो फोकलिफ्ट लाइसेंस है वो सब बनवा कर आ गया था मैं वापस, आपको सब दिखा दिया। अब मैं आपसे एक सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी लोग अभी फेस कर रहे हैं, और ये जो फेज़ है काफ़ी टफ जा रहा है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। और मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा यार, जो आपके बच्चे वगैरह आ रखे हैं यहाँ पे, उन्हें प्लीज़ प्रेशराइज मत करो, क्योंकि जॉब्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे क्लास में हैं 2-3 लोग ऐसे जिनके पेरेंट्स वगैरह प्रेशराइज कर रहे हैं उन्हें, आप क्या चाहते हो कि वो रहे ना। ऐसे ही एक केस आया अभी ब्रैम्पटन में, जो लड़की ने सुसाइड किया अभी थोड़े दिन पहले ही, मैंने आप मानोगे नहीं 60 जॉब्स के लिए अप्लाई करा होगा, और उसके लिए जो मेरे पास आया है अभी तक कॉल जो आया है 2 लोगों का ही आया सिर्फ, और उन्हें भी जो चाहिए एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए। मेरे पास अभी फोकलिफ्ट का लाइसेंस है और सिक्योरिटी लाइसेंस है, जी लाइसेंस है, ये सब चीज़ें मैंने तीनों चीज़ें आके बनवा ली थी ये सोच के कि मुझे जॉब मिल जाएगी, बट मुझे जॉब नहीं मिली अभी। तो यार मुझे नहीं पता कि आपके बच्चों का क्या यहाँ पे अभी एक्सपीरियंस होगा या होगा या नहीं होगा। मैंने ये चीज़ें बनवा ली थी आते के साथ ही और मेरी बन भी गई थी। फोकलिफ्ट का जो लाइसेंस होता है वो बिल्कुल चने की तरह मिल जाता है सबको, बस पैसे खर्च करने हैं आपको, 2-3 घंटे की वो ट्रेनिंग देंगे और आपको मिल जाएगा। और भाई जो लोग यूट्यूब पे ये बोलते हैं आपको कि भाई आप फोकलिफ्ट लाइसेंस बनवा लो आपको हाई पे जॉब मिल जाएंगी और आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी वो लोग डाल देंगे, भाई इतना चूतिया मत बनाओ लोगों को प्लीज़। एक्सपीरियंस डाल कैसे देंगे वो, जब आए आप 2-3 महीने पहले हो तो 2-3 महीने पहले का आप 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे ऐड करवा लोगे उसमें, मुझे ये बता दो, और आपको जॉब कैसे दे देंगे वो लोग। मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, आप अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहोगे और बेचारी ऑडियंस जो है वो अपने बनवा लेती है। $375 मेरे डॉलर लगे हैं अभी इसमें फोकलिफ्ट लाइसेंस में, मतलब यार ज़बरदस्ती कुछ भी बोलना है। और अपने बच्चों को यार प्लीज़ बोलो कि अपना जो भी बच्चे वगैरह आए हुए हैं और अपना आराम से पढ़ाई वगैरह, क्योंकि उनका जो वो चीज़ है पढ़ाई वगैरह वो भी ढंग से नहीं हो रही हो पा रही इस प्रेशर में कि भाई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी, सबको मिलेगी सोनर और लेटर, बट थोड़े टाइम बाद मिलेगी।
ऐसा है क्योंकि अभी बिल्कुल प्रोडक्शन बंद है और आपको कनाडा का सुनने को आ ही रहा होगा कि इन्फ्लेशन यहाँ पे हिट कर चुका है ऑलरेडी। तो वो ही है यार, उन्हें जितना हो सके आप अपना थोड़ा उन्हें मोटिवेट करो और बिल्कुल भी प्लीज़ प्रेशराइज मत करो। अब इतना भी प्रेशराइज मत करो किसी को कि वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाए। लड़कियाँ फिर ऑब्वियसली कुछ गलत कदम उठा लेती हैं और उन्हें थोड़ा बोलो कि हाँ भाई मिल जाएगी। तंग मत करो किसी को भी इतना कि भाई वो कुछ गलत कदम उठाए और फिर या कुछ गलत किसी और उसमें चले जाए जॉब फील्ड में जो एप्रोप्रिएट नहीं है हमारी सोसाइटी वगैरह में। तो यार थोड़ा ध्यान रखो सबका और बात वगैरह करते रहा करो अपने बच्चों वगैरह से, उनका ध्यान थोड़ा इधर उधर करो करो जितना हो पढ़ाई के बारे में, अपने खाने वगैरह के बारे में। और हाँ कि मिल जाएगी भाई, नहीं मिलती ठीक है अपना पढ़ाई पे फोकस करो, जैसा मेरे घर वालों ने बोल रखा है मुझे कि मिलती है ठीक, अदरवाइज यू फोकस ऑन योर स्टडीज़, वी हैव सेंड यू फॉर योर स्टडीज़ हियर। तो वही है यार, बाकी अभी सीन थोड़ा ऐसे ही सही है, जॉब वगैरह का जॉब नहीं मिल रही है किसी को भी, चाहे कोई कितना भी बड़ा है, थोड़े बहुत 2-3 हज़ार लोगों को मिल रही है। उनकी देखा देखी में भाई बिल्कुल ही परेशान मत हो जाओ कि भाई इन्हें तो मिल गई है, हमारा क्या, मिलेगी सबको मिलेगी, बट टाइम से ही मिलती है हर चीज़, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा आज का जो मेरा मेन पर्पज़ था। वीडियो मैंने पहले ही क्लोज कर दी थी बट ये बात मुझे करनी थी क्योंकि ब्रैम्पटन वाला केस सुन के थोड़ा मतलब लगा मेरे को हाँ भाई के लोग कर रहे हैं ऐसा, स्विच कर रहे हैं और लोग डिप्रेशन फेज में जा रहे हैं। तो वही यार, उन्हें थोड़ा बात करो, बूस्ट करो उनको, क्योंकि यहाँ पे बात करने के लिए भी नहीं होता, बंदा थोड़ा डिप्रेशन फेज में चला जाता है। तो यार यही सब था और क्या ही बोलूँ यार अब मैं आप लोगों का, आप लोग खुद ही समझदार हो। अगर 2-4 भी पेरेंट्स ये चीज़ वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मैसेज मतलब सक्सेसफुल हो गया पहुँचाना जो भी मेरा मैसेज था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरी क्लास में 2-3 लोग हैं जिनसे मैंने बात करी है कि आप लोग अपना जो एक्सपेंसेस है वो कैसे करने वाले। तो उन्होंने बोला GIC से ही कर रहे हैं अभी तक जो चल रही है। पर मैं पूछा घर वाले कुछ सपोर्ट करेंगे, कह रहे नहीं, घर वालों ने ये बोला है कि हमने बस भेज दिया, अब तुम खुद जॉब वॉब पकड़ो, जैसा करना है खुद करो। तो यार GIC के जो आते हैं वो $720 आते हैं, $720 में से बच्चा शेयरिंग में रह रहा है, $500 उसके वहीं गए, बचे $220 की ग्रॉसरी वगैरह सब चीज़ आई जाती है उससे, बल्कि ज़्यादा ही जाता है। तो यार कैसे कर लेगा अभी स्टूडेंट जो है। तो यार वही है कि एक लड़के से मैंने बात करी थी वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान था अभी कि यार जॉब मिल जाए जॉब मिल जाए, वही पूरा वो डिप्रेसिंग फेज में जा रहा है। बट उसे समझाता हूँ मैं, कोई नहीं भाई मिल जाएगी, अभी मुझे ही नहीं मिल रही है जबकि इतनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मुझे तो बल्कि मैं तो सबसे बड़ा लूज़र हूँ कहा जाए तो। बट कोई नहीं, अपना टाइम से सब हो जाएगा। तो वही है, थोड़ा वेट करो, सब होएगा आराम से। बस हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई हमने मिस इंटरप्रेट करा कि हमें जाते के साथ ही जो है जॉब मिल जाएगी, जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो हम अपने माइंड में लेकर आए थे कि भाई जाते के साथ ही जॉब मिल जाएगी, वो सबसे गलत चीज़ थी। यही सोचकर मतलब हमें आना चाहिए था कि भाई मिलती है तो ठीक, वरना अपना पढ़ाई पे ही फोकस करेंगे। और यार अभी इतना क्या जल्दी, अभी 2 महीने ही तो होंगे आप लोगों को जो जनवरी में आए हैं, जॉब मिल जाएगी आपको इजीली। ये यार अपना पढ़ाई पे फोकस करो और प्लीज़ ये शेयर करना और स्टूडेंट्स वगैरह के साथ जो भी अभी आए हुए हैं जनवरी इनटेक में, क्योंकि अभी जॉब किसी की भी नहीं है, लगी होगी 2-3 लोगों की लगी होगी, वही कोई बीमार पड़ जाता है उसका ऑल्टरनेटिव रख लेते हैं उसे भाई उसके बिहाफ पे। तो वही यार मिल जाएगी, आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, अपना करियर सिक्योर करो, जो आप जिसके लिए यहाँ पे अपने 30 लाख रुपए लगा कर आए हो तो वो करो, बाकी अपना एंजॉय करो यार, बहुत चीज़ें हैं बाकी और भी करने को, ये नहीं कि पढ़ाई में ही लगे हुए हो, अपना और भी एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा टाइम से।